सर्वप्रथम मैं अपनी प्रकृति शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ, अपने खिलवा मुटुआ को सेवा जोहार करता हूँ, इस नार के सभी पैन शक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ। लाल श्याम सिंह मड़ावी जी को याद करना चाहूंगा, आज उनकी स्मृति दिवस है। वो आजादी के बाद गोंडवाना राज्य के सांसद थे, वो सांसद थे, एक दिन के सांसद थे और एक दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो इस्तीफा इसलिए दिए थे क्योंकि आजादी के बाद आदिवासियों के साथ जो धोखा हुआ था उसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिए थे। आजादी के बाद हमारी मांग थी गोंडवाना राज्य की, लेकिन गोंडवाना राज आज 2024 आने के बाद भी नहीं हुआ। आज भारत का पूरा कायाकल्प हो गया, सबको भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर राज मिल गया, लेकिन गोंडों को नहीं मिला। गोंडवाना राज की मांग आजादी के पहले भी थी, आजादी के बाद भी है और आगे भी रहेगी। वो लाल सिंह श्याम जी, आज उनकी स्मृति दिवस है, उनको मैं सेवा जोहार करता हूँ। दूसरा, हमारे संविधान की बात होती है, संविधान में अम्बेडकर जी की बात होती है, लेकिन हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी की बात नहीं होती। जयपाल सिंह मुंडा जी की बात नहीं होती, जिन्होंने संविधान सभा में कहा था आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। ये बहुत बड़ी बात थी। इस शब्द में जाइए कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, जबकि पूरा देश लोकतंत्र से चलता है। ये समझने की जरूरत है हम आदिवासियों को। तीसरा नाम है हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरगाम जी का लुका, जिन्होंने कहा था भगवान और भाग आदिवासी समुदाय के दिशा में बाधक है। मैं आज माफी चाहूंगा आप लोगों से, आज यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा समिति लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, और आदिवासी कभी भगवान के पीछे नहीं भागता। आदिवासी प्रकृति पूजक है, इसलिए मरगाम दादा ने जब गोंडवाना आंदोलन की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था भगवान और भाग आदिवासी समुदाय के विकास में बाधक है। हम उनको भूल गए हैं। आज जो आदिवासियों पे अत्याचार शोषण हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आदिवासियों को बोलता हूँ कि उसका जिम्मेदार है तो वो सिर्फ आदिवासी है। क्यों है? कि वो शिक्षित नहीं है, ऐसा उद्बोधन में बोला जाता है या समाज के बीच में ऐसी बात आती है कि वो शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है। लेकिन जो इस देश का मूल मालिक है, क्या वो संगठित नहीं हो सकता? वो संगठित है और हमेशा रहेगा, वो शिक्षित था और हमेशा रहेगा। लोहे का आविष्कार आदिवासियों ने किया, अग्नि का आविष्कार आदिवासियों ने किया, खेती का आविष्कार आदिवासियों ने किया। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आदिवासी शिक्षित नहीं है? लेकिन हम आधुनिकता में इतने लीन हो गए हैं, हम लोग आरक्षण के पीछे भागते हैं, हम लोग व्यवस्थाओं के पीछे भागते हैं, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हम मूल पे नहीं भागते। वो मूल जो हमारी माई माटी है। मैं सिर्फ यहाँ पर माई माटी की बात करने आया हूँ। माई यानी मेरी माँ, मेरी बहन, माटी यानी मेरी ये भूमि। आज आदिवासी सिर्फ अगर ठोकर खा रहा है तो अपनी माई माटी से खा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारी माई के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत देश में हमारी माटी के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज आदिवासियों की अगर कोई समस्या है तो वो है विस्थापन और पलायन। विस्थापन और पलायन, विस्थापन पलायन से आदिवासियों को उसकी माटी से अलग किया जा रहा है। मैं बालाघाट का एक मुद्दा है, उस मुद्दे पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहूंगा। और चाची जी ने कहा था कि कोई भी समस्या आए तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं थोड़ा सा बातों को संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि आदिवासियों की जो समस्या है वो विस्थापन और पलायन है। विस्थापन पलायन, पैसे के नाम पर, दारू के नाम पर आदिवासियों को धोखा दिया जा रहा है, उसकी माई माटी से अलग किया जा रहा है, उनके पैन कड़ाओं से अलग किया जा रहा है, उनके पैन प्रथाओं से अलग किया जा रहा है, उनके बाप दादाओं के जो जमीर है, जो पूरा का पूरा जो इतिहास है, विरासत है, उससे अलग किया जा रहा है। मैं रमरमागढ़ की बात करना चाहूंगा, नंगा टोला से। रमरमागढ़ बालाघाट का आदिवासी गढ़ है।
बावनगढ़ 57 परगना में से एक गढ़ हमारा रामरमागढ़ है, जो पूरा का पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और वहाँ पर मस्कुले हमारा बाड़ा है, उसके पैर पुरखाओं का वो स्थान है। लेकिन आज देखिए महादेव के नाम पर वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। आज हमारा आदिवासी समाज महादेव के नाम पर जाता तो है, लेकिन अपने पैर पुरखाओं को भूल गया है, अपनी व्यवस्थाओं को भूल गया है, अपने इतिहास को भूल गया, अपनी विरासत को भूल गया है। आज विकास के नाम पर हमारे गढ़ के लोगों को कब्जा किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। ये इकलौता रामरमागढ़ की बात नहीं है, इससे पहले भी हमारे डोंगरगढ़ जो हमारी बमलाई दाई है, आपके लिए आपने सुने होंगे कि वो माँ बमलेश्वरी है, माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उलन का टोला, ये सभी के कानों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपकी दाई है, आपकी आदिवासी दाई है, वो आपकी बमलाई दाई है। दूसरा चौरागढ़, जी चौरागढ़ पर भी कब्जा कर लिया गया है, हमारा चांदागढ़ पर कब्जा कर लिया गया है, चांदागढ़ हमारी कंगाली दाई का स्थान है। इसी तरह सभी घरों पे कब्जा किया जा रहा है, क्यों? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर आदिवासियों को उसके स्थान से अलग किया जाता है। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो रामरमागढ़ है वो हमारे आदिवासियों का पैर पुरखाओ का स्थान है, उसे हमें यथावत दीजिए और हमें हमारे पैर पुरखाओ को वैसे ही व्यवस्थित कर दिए। हम लोग प्रकृति पूजक है, हम लोग प्रकृति के मानने वाले हैं और हम प्रकृति के बीच में रहने वाले हैं। मैं चाची जी से कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष किया है, माई माटी के लिए संघर्ष किया है, जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया है। सोनवानी अभयारण्य का मुद्दा आप सभी ने सुना होगा, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था। वहां से 70 से 80 गांव विस्थापित होंगे, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था, निरस्त हो गया था। लेकिन मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली कि उस अभयारण्य का फिर से विस्तार किया जाएगा और उसका जो भी हो सुंदरीकरण हो किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि उस अभयारण्य के पीछे हमारे 70-80 गांव आदिवासी गांव है, उनका विस्थापन होगा, उनका विस्थापन होगा। लेकिन हमारे आदिवासी समाज अपने माई माटी को कैसे छोड़ सकते हैं? आज अगर जल जंगल जमीन बचा हुआ है तो आदिवासियों के लिए बचा हुआ है। आज कृत्रिम वर्षा हो रही है, कृत्रिम हवा आप लोग ले रहे हैं, बचना है। अगर आज हमारा समाज, हमारा पूरा भारतवर्ष में किसी भी वर्ग का अगर मानव जिंदा है तो आदिवासियों की देन है कि आदिवासियों ने अभी भी प्रकृति को बचा के रखा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज आज शिक्षा और पैसे के पीछे उसको ऐसा विलीन कर दिया गया है कि यही जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हमारे समुदाय की है तो वो है हमारी माई और माटी। माई माटी अगर सुरक्षित है, संरक्षित है, तो आपका अस्तित्व सुरक्षित है, क्योंकि आने वाले समय में आपको आपके ही समुदाय से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, आदिवासी समाज ईसाई नहीं है, आदिवासी समाज मुस्लिम नहीं है, आदिवासी समाज धर्म पूर्वी है। किसी भी धर्म में आदिवासी समाज नहीं आता, वो प्रकृति को मानने वाला है, पैर पुरखाओं को मानने वाला है। आप उस चीज को समझिए कि अगर आपका अस्तित्व जिंदा है तो आपके अपने मूलों से जिंदा है। इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। सेवा जो